हेलो हाय फ्रेंड, मैं प्रतीक्षा आपका स्वागत करती हूँ डिब्बों की रसोई में। आज मैं आपको नया डिश दिखाने जा रही हूँ, अरुई की सब्जी कैसे बनाते हैं, और इसे आप देखिए। पहले हम जो है अरुई को अच्छे से धो लेते हैं, हम अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेंगे। इसे बहुत जगह धनिया भी बोला जाता है, मेरे यहाँ इसे अरुई बोलते हैं। अगर आपके यहाँ इसे कुछ और बोला जाता होगा तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसे हम अच्छे से साफ कर लिए हैं और अब हम इसे कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिएगा। और इसे हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस एक या दो गिलास डाल देंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर। इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन कर देंगे और प्रेशर कुकर हम चढ़ा दिए हैं इस पर। और जब ये दो या तीन सीटी दे देगा तो मेरा अरुई उबल कर तैयार हो जाएगा। फिर मैं उसके आगे दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। अभी मैंने चढ़ा दिया है और अब आप देखिए अरुई जो मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ था, ये बिल्कुल उबल कर अब रेडी है। और हम आपको निकाल के दिखाते हैं प्रेशर कुकर से। ये उबल चुका है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मसाला, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत कुछ नहीं डालना है, मैंने ये लाल मिर्ची ली है, 8 से 10 मिर्ची है, और ये लहसुन की 10 से 15 कली लहसुन है। और मैंने चावल जो भिगो कर रख दिया था, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 से 2 मुट्ठी आप भिगो सकती हैं। और जब चावल भून जाए तो ये लहसुन और लाल मिर्च चावल को, तीनों को हम मिक्स कर देंगे मिक्सी जार में करके, और हल्का सा बस पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि हल्का ही पानी पड़ेगा। ये मसाला मेरा सूखा रहेगा और मैं मसाला पीस लेती हूँ। देखिए अब मसाला मैंने पीस लिया है, मसाला बिल्कुल रेडी है। और इसे अब हम क्या करेंगे, अरुई को बहुत ही अच्छे से छील लेंगे, साफ कर लेंगे, इसके छिलके को उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद हम आपको दिखाते हैं। और अब मैंने देखिए सारे अरुई को ऐसे छील कर रख लिया प्लेट में। और अब इसको हम पतला पतला बिल्कुल जो है चक्कू से कट कर देंगे, ऐसे ही करना है, पतला पतला काट।